अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने सुमान में रखे, आफ़ियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज आप लोग के साथ एक इंतहाई हेल्दी और मज़ेदार सी फ्रूट चाट की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, जो बहुत इजी वैसे मैं बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें भी मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ, तो स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैंने एक सेब जो है उसको क्यूब्स में काट लिया है और मैं इसको एक बाउल में ऐड डाल रही हूँ। इसके साथ ये दो मैंने डेट्स और तीन बादाम स्लाइसेस में काट लिए थे वो मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ, 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ये दही आप लोग को नज़र आ रही होगी, इंतहाई क्रीमी सी मेरी दही है जो मैंने घर में तैयार की है। और इसकी सिर्फ मैंने इसको जब जाग लगाई थी तो मैंने नेस्ले का जो दही है उसकी 1/4 टेबल स्पून डाल के मैंने जाग लगा ली थी। इसकी बहुत मज़ेदार सी ये मेरी दही भी तैयार हुई थी, फ्रेश मिल्क जो घर में यूज़ होता है उसी से मैंने ये बनाई थी। साथ में मैं चंद एक छोटे साइज़ की स्ट्रॉबेरीज इसमें डाल दूँगी। मैंने कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं की, क्रीम ऐड नहीं की, क्योंकि दही बहुत अच्छी बनी हुई थी, क्रीम की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। और साथ में ये मैंने किशमिश डाल दी है इसके ऊपर, और शुगर इसलिए नहीं डाली कि डेट्स मैंने डाली हैं, किशमिश डाली है। तो जो लोग वेट लॉस के प्रोसेस में होते हैं, जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो इस तरह के चाट बना के इजीली यूज़ कर सकते हैं। यकीनन ये हेल्दी सी और शॉर्ट सी मेरी रेसिपी आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर बताइएगा। जज़ाकअल्लाह है, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।